क्या इस जन्म के कर्मों का फल इसी जन्म में मिलता है? यदि हाँ तो पूर्व जन्म के कर्मों के फल का क्या होता है और पूर्व जन्म के कर्मों का फल किसे और कब मिलता है? नमस्ते प्रिय मित्रों, कर्म और फल मनुष्य के जीवन व्यतीत क्रियाओं के अनुसार होता है। हमारा पूर्व जन्म कब, कहाँ और कैसे था शायद ही किसी को पता हो, क्योंकि जब इंसान जन्म लेता है तो वह एक शिशु के रूप में होता है और जब वह बड़ा होता है तो संसार के माया जाल में फंस जाता है। इंसान के कर्मों का फल उसके जीवन के आधार के अनुसार होता है। तो पुनर्जन्म क्या है और क्या हमारे कर्म जन्म से लेकर मौत तक हमारा अनुसरण करते हैं? गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को ये बात समझाई थी कि लोगों को उसके कर्मों का फल हमेशा मिलता है। आपने महसूस किया होगा कि बुरे लोग हमेशा बुरे कर्म करते हैं, फिर भी वह जीवन में सुखी और संपन्न रहते हैं, जबकि अच्छे लोग जीवन भर अच्छे कर्म करते हैं, फिर भी उसे अपमान और दर्द ही मिलता है। अक्सर लोगों के मन में ऐसा सवाल रहता है कि जो लोग अच्छे कर्म करते हैं वो परेशान रहते हैं, वहीं जो बुरे कर्म करते हैं वो खुशी से रह रहे होते हैं। अच्छे कर्म करने वाले परेशान होते हैं कि आखिर उन्हें इतनी परीक्षा क्यों देनी पड़ रही है, जबकि जो अधर्म की राह में है वो खुश है और जिंदगी का लुत्फ उठा रहे हैं। अक्सर लोग सोचते हैं कि अब अच्छाई का जमाना ही नहीं रहा। अगर आपके मन में भी ये सवाल आया है तो आज आप इसका जवाब सुन लीजिए। ये जवाब वो है जो भगवत गीता में लिखा है और श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया था। भगवत गीता में वर्णित कथा के अनुसार जब भी अर्जुन के मन में कोई दुविधा होती थी तो वो श्री कृष्ण के पास पहुंच जाते थे। एक बार की बात है, अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण के समीप आकर कहा कि वो दुविधा में है और इसका जवाब वो श्री कृष्ण से चाहते हैं। श्री कृष्ण ने पूछा कि क्या सवाल है? अर्जुन ने कहा, मुझे ये जानना है कि अच्छे लोगों के साथ हमेशा बुरा ही क्यों होता है, वहीं बुरे लोग खुशहाल दिखते हैं। अर्जुन के मुंह से ऐसी बातें सुनकर श्री कृष्ण मुस्कुराए और कहा, मनुष्य जैसा सोचता है और महसूस करता है वैसा कुछ नहीं होता है, बल्कि अज्ञानता की वजह से वो सच्चाई नहीं समझ पाता है। अर्जुन उनकी ये बात समझ नहीं पाए। इसके बाद श्री कृष्ण ने क्या कहा वो जानते हैं। कान्हा ने अर्जुन से कहा कि हे पार्थ, मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ, उसे सुनकर तुम समझ जाओगे कि हर प्राणी को उसके कर्म के हिसाब से ही फल मिलता है। प्रकृति हर किसी को अपनी राह चुनने का मौका देती है। अब वो मनुष्य की इच्छा पर निर्भर करता है कि उसे धर्म की राह चुननी है या अधर्म की। कथा शुरू करते हुए श्री कृष्ण ने कहा, एक नगर में दो पुरुष रहा करते थे। एक पुरुष व्यापारी था जिसके जीवन में धर्म की बहुत महत्ता थी। वो पूजा पाठ में यकीन रखता था। वो हर रोज मंदिर जाता था और दान धर्म भी करता था और हर रोज भगवान की पूजा करता था। वहीं दूसरा पुरुष बिल्कुल विपरीत था। वो हर रोज मंदिर तो जाता था लेकिन पूजा करने नहीं, बल्कि मंदिर के बाहर से जूते चप्पल चुराने। उसे दान और धर्म से कोई लेना देना नहीं था। समय बीतता गया और एक दिन बहुत जोर की बारिश हो रही थी। इस वजह से मंदिर में पुजारी के अलावा कोई नहीं था। ये बात जब दूसरे पुरुष को पता चली तो उसने कहा कि ये सही मौका है मंदिर का धन चुराने का। पंडित से नजर बचाकर उसने मंदिर का सारा धन चुरा लिया। उसी समय धर्म कर्म में विश्वास रखने वाला व्यक्ति भी मंदिर पहुंचा। दुर्भाग्य से मंदिर के पुजारी ने उसे ही चोर समझ लिया और चिल्लाने लगे। वहां लोग एकत्र हो गए और उसे बहुत मारा। किसी तरह वो बचते बचाते वहां से निकला तो दुर्भाग्य ने उसका साथ वहां भी नहीं छोड़ा। मंदिर के बाहर वो एक गाड़ी से टकरा गया और घायल हो गया। फिर वो व्यापारी लंगड़ाते हुए घर जाने लगा तो रास्ते में उसकी मुलाकात उस पुरुष से हुई जिसने मंदिर से धन चुराया था। उसने कहा, आज तो मेरी किस्मत चमक गई, एक साथ इतना सारा धन मिल गया। ये सब देखकर उसे बहुत बुरा लगा और उसने अपने घर से भगवान की सारी तस्वीरें निकाल दी। कुछ सालों बाद दोनों की पुरुषों की मृत्यु हो गई। मरने के बाद जब दोनों यमराज की सभा में पहुंचे
और भले पुरुष ने दूसरे व्यक्ति को देखा तो उसे बहुत गुस्सा आया। उसने क्रोधित होकर यमराज से पूछ ही लिया, मैं तो हमेशा अच्छे कर्म करता था, दान में विश्वास रखता था, उसके बदले जीवन भर मुझे अपमान और दर्द ही मिला, और इस व्यक्ति को नोटों से भरी पोटली, आखिर ऐसा भेदभाव क्यों? इस पर यमराज ने कहा, पुत्र तुम गलत समझ रहे हो। जिस दिन तुम्हारी गाड़ी से टक्कर हुई थी वो दिन तुम्हारे जीवन का आखिरी दिन था, परंतु तुम्हारे अच्छे कर्मों की वजह से तुम्हारी मौत सिर्फ एक छोटी से चोट में बदल गई। तुम इस दुष्ट व्यक्ति के बारे में जानना चाहते हो, दरअसल इसके भाग्य में राजयोग था, मगर इसके कुकर्मों और अधर्म की वजह से वो सिर्फ एक छोटी सी धन की पोटली में बदल गया। कथा सुनाने के बाद श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, पार्थ क्या अब तुम्हें तुम्हारे सवाल का जवाब मिल गया? ऐसा सोचना कि भगवान तुम्हारे कर्मों को नजरअंदाज कर रहे हैं ये बिल्कुल भी सत्य नहीं है। भगवान हमें कब क्या किस रूप में दे रहा है मनुष्य को समझ में नहीं आता है, मगर आप अच्छे कर्म करते रहें तो भगवान की कृपा हमेशा बनी रहती है। इसलिए अपने अच्छे कर्मों को बदलना नहीं चाहिए, क्योंकि उसका फल हमें इसी जीवन में मिलता है। इसलिए मनुष्य का फर्ज है कि वो हमेशा अच्छे कर्म करते रहे, क्योंकि श्री कृष्ण ने गीता में भी बताया है कि किसी के द्वारा किया गया कर्म बेकार नहीं जाता है, चाहे वो अच्छा हो या बुरा। दोस्तों, हम जैसा कर्म करते हैं वैसा ही हमें फल मिलता है। अगर हमने अच्छे कर्म किए होते हैं तो उसका हमें अच्छा फल मिलता है, और बुरे कर्म किए होते हैं तो हमें उसका फल बुरा मिलता है। अगर हमारे साथ कुछ बुरा होता था तो पहले लोग ऐसा बोलते थे कि जरूर उसने पिछले जन्म में कुछ बुरा किया होगा, इसलिए इसके साथ ऐसा इस जन्म में हुआ। लेकिन अगर हम बात आज के जमाने की करें तो हमें अपने कर्म का हिसाब भी इसी जमाने में चुकाना पड़ता है। पहले भगवान नोट और कलम लेकर सभी के कर्म का हिसाब करते थे, इसलिए पिछले जन्म का हिसाब इस जन्म में होता था। लेकिन आज तो इंटरनेट का जमाना है, इसलिए भगवान भी लैपटॉप लेकर बैठते हैं और सभी के कर्म का हिसाब इसी जन्म में होता है। ये कहानी भी कर्म के बारे में ही है। हमारा जैसा कर्म होता है वैसा ही फल हमें मिलता है। एक छोटे से गांव में एक लड़का रहता था। वो लड़का बहुत ज्यादा गरीब परिवार से था। वो अपनी स्कूल की पढ़ाई करता था और स्कूल के बाद लोगों के घर घर जाकर सामान बेचने का काम करता था। इस तरह घर घर जाकर सामान बेचकर उसे जो भी पैसे मिलते थे उसी में से वो अपनी स्कूल की फीस भरता था। वो लड़का हर रोज की तरह एक दिन स्कूल के बाद दोपहर को सामान बेचने के लिए निकला था। उसे बहुत जोर की भूख लगी थी। उसने ये तय किया कि मैं अब जिस भी घर पे जाऊंगा और सामान बेचूंगा उस घर से पैसे नहीं खाना मांग लूंगा। वो एक घर के पास जाता है और बाहर से दरवाजा खटखटाता है। उस घर में से एक लड़की बाहर निकलती है और वो दरवाजा खोलती है। उस लड़के ने उससे पानी मांग लिया। लड़की ने देखा कि ये लड़का बहुत थका सा है। वो लड़की अंदर जाती है और सोचती है कि ये लड़का बेचारा न जाने कब से इधर उधर सामान बेचता होगा, शायद उसे भूख लगी होगी। लड़की ये सब सोच रही थी और वो उसके लिए पानी की जगह पर दूध का गिलास लेकर उसे देती है। लड़का बहुत भूखा था, इसलिए वो दूध पी लेता है और बहुत खुश हो जाता है। उसे लगता है कि इस दुनिया में अभी भी इंसानियत जिंदा है। लड़का भगवान का धन्यवाद करता है। वो अब लड़की से पूछता है कि आपको मैं कितने पैसे दूं इस दूध के? लड़की ने कहा, मुझे आपसे कोई पैसे नहीं लेने हैं। मेरी माँ मुझे हमेशा ऐसा कहती है कि हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए। लड़के ने कहा, आपको कुछ लेना है इस सामान में से? लड़की ने कहा कि आप कुछ मत दीजिए, मुझे कुछ नहीं लेना है। लड़के ने जाते हुए कहा कि मैं आपका दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ, क्योंकि आपने मेरी मदद की। इतना बोलते हुए वो लड़का वहां से चला जाता है। कुछ समय के बाद इस लड़के ने अपनी स्कूल और कॉलेज की पढ़ाई पूरी कर ली और वो एक अच्छा डॉक्टर बन गया। ये लड़का अब एक शहर में अच्छे हॉस्पिटल में डॉक्टर था। इधर इस लड़की के घर वालों की आर्थिक परिस्थिति दिन व दिन बिगड़ रही थी।
एक दिन ऐसा आया कि ये लड़की बहुत बीमार हो गई। लड़की को उसके घर वाले उसी हॉस्पिटल में ले जाते हैं, जिस हॉस्पिटल में ये लड़का डॉक्टर था। उस लड़के के पास ये लड़की का केस आता है। लड़का लड़की का एड्रेस देखता है तो उसे पता चलता है कि ये तो वहीं का एड्रेस है जहां पर मैं अपने स्कूल के समय सामान बेचने जाता था। लड़के को अब उस लड़की को देखकर याद आ जाता है कि ये तो वही लड़की है जिसने मुझे मदद की थी। जब मैं भूखा था तब उसने मुझे दूध पीने के लिए दिया था। लड़का उस लड़की का इलाज अच्छे से करता है और अपनी टीम को भी इसके इलाज में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए ऐसा बोलता है। वो लड़की ठीक हो जाती है। अब बारी थी लड़की की हॉस्पिटल का बिल देने की। वो मन ही मन बोल रही थी कि पता नहीं कितना बिल होगा। वो बहुत चिंतित थी क्योंकि उसके घर वालों की आर्थिक परिस्थिति इतनी अच्छी नहीं थी कि वो लोग ये इलाज का बिल दे पाए। लड़की ने जैसे ही बिल का लिफाफा हाथ में लिया वैसे ही उसने देखा कि उसमें उसका जो भी इलाज हुआ था वो सब लिखा था और साथ में एक छोटी सी पर्ची भी थी। उस पर्ची में लिखा था कि आपने इलाज का बिल बहुत सालों पहले एक गिलास दूध से पे कर दिया है। डॉक्टर तभी वहां पर पहुंच जाते हैं और ये लड़की उनको पहचान लेती है और उनसे कहती है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, अगर आप कुछ अच्छा करते हैं तो अच्छाई आपके पास घूमकर जरूर आएगी। हमें अक्सर हमारे कर्म के हिसाब से ही फल मिलते हैं। जैसा हमारा कर्म होता है वैसा ही हमें कर्म का फल मिलता है। श्रीमद् भगवद् गीता में योगीराज श्री कृष्ण महाराज ने संदेश दिया है कि अवश्यमेव भोक्तव्यम् कर्म कृतम् शुभाशुभम्, अर्थात व्यक्ति को अपने किए हुए शुभ और अशुभ सभी कर्मों का फल अवश्य ही भोगना पड़ता है। मनुष्य अपने जीवन में जैसे जैसे कर्म करता जाता है वैसे वैसे ही उसके जीवन का निर्माण होता जाता है। परंतु परमात्मा ने मनुष्य को केवल कर्म करने की स्वतंत्रता दी है। कर्म फल की व्यवस्था परमात्मा के अधीन है। आपका जैसा कर्म होगा वैसा ही आपको फल मिलेगा, यह निश्चित है, क्योंकि परमात्मा न्यायकारी है। परमात्मा मनुष्य द्वारा किए जाने वाले प्रत्येक कर्मों को जानने वाला है। परमात्मा के आगे किसी की सिफारिश नहीं चलती। परमात्मा को कोई रिश्वत नहीं दे सकता, इसलिए परमात्मा को पूर्ण न्यायकारी कहा गया है। परमात्मा की अटल न्याय व्यवस्था से कोई भी आज तक न तो बचा है और न ही आगे बचेगा। इसलिए अच्छे कर्म करने वाला व्यक्ति निर्भय होता है और बुरा कर्म करने वाला व्यक्ति हर समय भयभीत होता है। अब सवाल ये है कि कर्मों का फल क्यों भोगना पड़ता है, क्या इसे टाला नहीं जा सकता है? दोस्तों, भगवद गीता के अनुसार कर्म का फल बिल्कुल भी टल नहीं सकता। हम चाहे कितनी भी चालाकियां कर ले, कितने भी होशियार रहें, बेशक पूरी दुनिया की आंखों में धूल झोंक दे, बेशक आप इस बात को जान ना पाए, बेशक हम सभी अपने कर्मों से अनजान बने रहें, सब भूल सकते हैं, दुनिया भुला सकती है, पर कर्म फल निरंतर चुपचाप एक छाया की तरह अदृश्य शांत चित हमारे संग संग चलता रहता है। दोस्तों, कर्म फल कभी टाला नहीं जा सकता है, टालना हमारे बस में है ही नहीं। कई बार हमारे चलान होते हैं, कोई चीज चोरी होती है, दुर्घटनाएं होती रहती है, पैसा डूब जाता है। जिस तरह बुराई का फल बुरा होता है उसी तरह अच्छाई का फल भी अच्छा होता है। ये फल हमें कभी भी कहीं भी किसी भी रूप में भुगतना पड़ेगा ही। सिर्फ और सिर्फ एक कंडीशन पर ये टल सकता है। असल में टलेगा तो नहीं, पर इसका दर्द कम जरूर हो सकता है। वो ये कि अगर हम अपनी गलतियों को कबूल कर ले और परमात्मा की शरण में जाए, आत्मसमर्पण करें और अच्छे कर्म करने शुरू कर दे, तभी हम अपने गलत कर्मों से होने वाली पीड़ा से बच सकते हैं, बशर्ते ईश्वर हमें माफ कर दे। हमारे इस जन्म में किए गए प्रबल कर्म का फल हमें इसी जन्म में मिल जाता है। शेष छुटपुट व प्रत्यक्ष परोक्ष भले बुरे कर्म हमारे कर्मों के संचित कोष में जमा होते रहते हैं, जो प्रारब्ध कर्म के फल रूप में हमारी जीवात्मा को विभिन्न 84 लाख योनियों में ले जाते हैं। यही 84 का चक्कर कहा जाता है।
कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि कर्म का फल जन्मों जन्मों तक हमारा साथ नहीं छोड़ता है। इसीलिए कर्म के सिद्धांत के अनुसार अपने जीवन को ढाल लीजिए और अपने कर्मों पर कड़ी नजर रखिए और ध्यान रखिए, कर्म वाचा मनसा कर्मणा इन तीनों मार्गों से संपन्न होते हैं। इसका तात्पर्य ये हुआ कि किसी को मिथ्या या कटु वचन नहीं बोलना है, किसी के विषय में बुरा नहीं सोचना है, किसी का प्रत्यक्ष या परोक्ष बुरा नहीं करना है। यदि आपने ये तीनों नियम साध लिए तो ये सुनिश्चित है कि आप उत्तरोत्तर विकसित होते जाएंगे व जन्म दर जन्म कुलीन परिवार और उत्तम परिस्थितियों में जीवन जिएंगे। आपके जीवात्मा का निम्न योनियों में गिरना रुक जाएगा, बशर्ते कि आप अपने अहंकार के चलते किसी जन्म में पुनः उपरोक्त नियमों का उल्लंघन न कर बैठे। इस खतरे से बचने का एकमात्र उपाय यही है कि आप अकर्म की साधना में अपनी जीवन ऊर्जा खपाएं। अकर्म की साधना का तात्पर्य है ध्यान साधना द्वारा अपनी चेतना को अपने मन के परे स्थापित करते हुए अहंकार रहित जिए तथा हर कर्म को निष्काम भाव से अंजाम दें। इसे आप यूं भी समझ सकते हैं, मन के माध्यम से किए गए कर्म के साथ कर्म का फल ठीक उसी तरह से है जैसे आपके साथ आपकी परछाई। इस प्रकार उन कर्म फलों से बचा नहीं जा सकता, किंतु जैसे प्रकाश के ठीक नीचे खड़े होने पर हमारी परछाई नहीं बनती है, ठीक वैसे ही मन से परे रहते हुए आत्मा के प्रकाश में किए गए कर्म अपना फल देने के योग्य नहीं रह जाते हैं। महाभारत के युद्ध के पश्चात श्री कृष्ण भीष्म पितामह से मिलने पहुँचे तो भीष्म ने कृष्ण से पूछा कि हे केशव, मुझे इतना दर्द क्यों हो रहा है। तब श्री कृष्ण ने बताया कि पितामह, आप पिछले जन्म में राजा थे, आप कहीं जा रहे थे और रास्ते में एक सांप पड़ा था, आपने उसे मरा समझकर अपने तीर से उठाकर फेंक दिया और वो सांप नुकीली झाड़ियों में जा गिरा। उसके कांटे सांप के शरीर में बुरी तरह चुभ रहा था, सांप ने आपको खूब बद्दुआ दी थी, उसी का फल आपको मिल रहा है। जो कांटों का दर्द उसे हो रहा था वही दर्द आपको तीरों की सैया के नुकीले बाण से हो रहा है। दोस्तों, इस प्रसंग से भी यह सिद्ध होता है कि पूर्व जन्म के कर्म का फल भोगना ही पड़ता है। दोस्तों, अब सवाल ये उठता है कि क्या इन कर्मों से छुटकारा पाने का भी कुछ उपाय है क्या? इसके लिए भगवान श्री कृष्ण ने गीता के चौथे अध्याय में जो बताया है उसे सुनते हैं। श्री भगवान कहते हैं कि जो मनुष्य कर्म तो करता है लेकिन उस कर्म में अकर्म को देखता है, अर्थात ये नहीं सोचता है कि मैं ही करता हूँ, वह खुद को एक माध्यम समझता है, वह फल की इच्छा नहीं रखता, वह जानता है कि संपूर्ण कर्म परमात्मा द्वारा हो रहा है, ऐसे मनुष्य को कर्म नहीं बांधता है। जो पुरुष समस्त कर्मों में और उनके फल में आसक्ति का सर्वथा त्याग करके संसार के आश्रय से रहित हो गया है और परमात्मा में नित्य तृप्त है, उसके लिए भगवान की भक्ति के अलावा और कोई कर्म नहीं रह जाता है, अर्थात वह कर्म करते हुए भी वास्तव में कुछ भी नहीं करता। जिसने अपने मन और इंद्रियों को जीत लिया है और जिसने समस्त भोगों की सामग्री का परित्याग कर दिया है, ऐसा आशा रहित पुरुष केवल शरीर संबंधी कर्म करता हुआ भी पापों को नहीं प्राप्त होता है। जिसको बिना मांगे जो मिले उसी में संतुष्ट रहता है, जो न किसी से ईर्ष्या करता है और न द्वेष, जो सुख दुख को एक समान भाव से देखता है, ऐसा मनुष्य कर्म योगी कहलाता है। जिसकी आसक्ति सर्वथा नष्ट हो गई है, जो अपने देह पर अभिमान नहीं करता और जो ममता से रहित हो गया है, जिसका चित्त निरंतर परमात्मा के ज्ञान में स्थित रहता है, वैसा कर्मयोगी अपना कर्म यज्ञ की तरह करता है और मोक्ष को प्राप्त होता है। जो अपना सब कुछ परमात्मा को अर्पित कर देता है, जिसके लिए परमात्मा ही सब कुछ है, जो अपने हर कर्म में परमात्मा को देखता है और हर कर्म परमात्मा के लिए करता है, वैसा कर्मयोगी मोक्ष का अधिकारी होता है। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को सदैव अच्छे कर्म करने चाहिए, क्योंकि कर्मों के क्षीण हो जाने पर भाग्य भी नष्ट हो जाता है। जिस मनुष्य का अपने कर्मों पर अटूट विश्वास होता है और जो मनुष्य अपने कर्मों पर सदा अडिग रहता है,
वही मनुष्य जीवन में सफल होता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि हर व्यक्ति को बिना कुछ सोचे समझे सिर्फ कर्म के मार्ग पर चलते रहना चाहिए। जो मनुष्य कर्म किए बिना सिर्फ फल की चिंता करता है, उसे जीवन में सिर्फ असफलता ही प्राप्त होती है। श्री कृष्ण के अनुसार परिस्थितियां चाहे कितनी भी खराब हो, वो हमेशा एक जैसी नहीं रहती है, वो बदलती जरूर है। इसलिए मनुष्य को बहुत धैर्य और हिम्मत से काम लेना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि ईश्वर कभी भी किसी व्यक्ति के साथ ना इंसाफी नहीं करता, वो उसको केवल वही देता है जिसके वह लायक है। भगवान कहते हैं, कर्म करो लेकिन फल की इच्छा मत रखो। इस संसार में कोई भी मनुष्य किसी भी काल में क्षण मात्र भी बिना कर्म किए नहीं रहता, क्योंकि सारा मनुष्य समुदाय कर्म करने के लिए ही पैदा हुआ है। बिना कर्म किए कोई रह नहीं सकता है। जो मनुष्य समस्त इंद्रियों को वश में करके आसक्ति रहित कर्म करता है, वही श्रेष्ठ है, अर्थात वही कर्मयोगी है। कर्म का मार्ग दिखाते हुए श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना ज्यादा श्रेष्ठ है, तथा कर्म न करने से मनुष्य का शरीर निर्वाह भी नहीं सिद्ध होता है। अर्थात मनुष्य को चाहिए कि वह सिर्फ अपने कर्तव्यों का पालन करे, क्योंकि कर्म नहीं करने से मनुष्य का जन्म लेना भी बेकार हो जाता है। भगवान कहते हैं, तू यज्ञ समझकर अपना कर्म कर। जिस प्रकार यज्ञ समाज और प्रजा की भलाई के लिए किया जाता है, उसी तरह तू अपने कर्मों को यज्ञ समझकर, अर्थात अपना कर्तव्य समझकर कर्म कर। जो पुरुष इस परंपरा से नहीं चलता, प्रकृति के नियमों का पालन नहीं करता, अर्थात अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता, वो इंद्रियों के द्वारा भोगों को भोगने वाला पापी पुरुष व्यर्थ ही जीता है। परंतु जो मनुष्य आत्मा में ही रमण करने वाला और आत्मा में ही तृप्त तथा आत्मा में ही संतुष्ट हो, उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं है। आत्मा का मतलब यहाँ सबसे बड़ा सच है, और जो सत्य को समझता है, सत्य में ही खुश होकर सत्य में ही रहता है, उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं है। लेकिन ऐसा कोई लाखों करोड़ों में एक होता है। उस महापुरुष का इस विश्व में न तो कर्म करने से कोई प्रयोजन रहता है, और न कर्मों के न करने से ही कोई प्रयोजन रहता है, तथा संपूर्ण प्राणियों में भी इसका स्वार्थ से कोई संबंध नहीं रहता। कहने का सीधा मतलब है, जिसे परमात्मा मिल चुका है, वो कोई और दूसरा कर्म क्यों करे। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर तुमने कोई रिश्ता खोया है या किसी रिश्ते से निराश हो, तो वह रिश्ता मुझसे बना लो, मैं कभी भी तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा। इसलिए तू निरंतर आसक्ति से रहित होकर, अर्थात अपनी इच्छा को त्याग कर, सदा कर्तव्य कर्म को भली भांति करता रह, क्योंकि आसक्ति से रहित होकर कर्म करता हुआ मनुष्य परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो कर्म करते हुए ही परम सिद्धि को प्राप्त हुए थे। जनक आदि ज्ञानी जन भी आसक्ति रहित कर्म द्वारा ही परम सिद्धि को प्राप्त हुए थे। इसलिए कर्म करना ही उचित है। श्रीमद् भगवद् गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है, इसलिए स्वयं को अधिक तनावग्रस्त न करें। किसी के साथ चलने से ना तो कोई खुशी मिलती है और ना ही लक्ष्य। इसलिए मनुष्य को सदैव अपने कर्मों पर विश्वास करते हुए अकेले चलते रहना चाहिए। श्रेष्ठ पुरुष जो जो आचरण करता है, अन्य पुरुष भी वैसा वैसा ही आचरण करते हैं। वो जो कुछ प्रमाण कर देता है, समस्त मनुष्य समुदाय उन्हीं के पद चिन्हों पर अपने रास्ते चुनता है। इसलिए सज्जन व्यक्तियों को सदैव अच्छा व्यवहार करना चाहिए। कान्हा कहते हैं, मेरा इन तीनों लोकों में न तो कुछ कर्तव्य है और न ही कोई वस्तु प्राप्त करने योग्य है, फिर भी मैं कर्म में ही बरतता हूँ, अर्थात मैं भी कर्म करते हुए अपने कर्तव्य का निर्वाह करता हूँ। श्री भगवान कहते हैं, यदि मैं कर्मों को करने में सावधानी ना बरतूं, तो बड़ा अनर्थ हो जाएगा, क्योंकि मनुष्य सब प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। इसलिए यदि मैं कर्म न करूं, तो ये सब मनुष्य नष्ट भ्रष्ट हो जाएंगे और मैं संकरता का करने वाला हो जाऊंगा तथा इस समस्त प्रजा को नष्ट करने वाला बन जाऊंगा। जिनमें समझ नहीं होती, वो कर्म में आसक्त होकर कर्म करते हैं,
आसक्ति रहित विद्वान को भी चाहिए कि वह भी लोगों को सही दिशा दिखाने के लिए उसी प्रकार कर्म करे। जो ज्ञानी है, जिन्हें ईश्वर की सच्चाई मालूम हो चुकी है, उनकी ये जिम्मेदारी बन चुकी है कि उनके काम करने के तरीके से कहीं किसी और के मन में काम करने के प्रति अश्रद्धा या अपमान ना पैदा हो जाए। इसलिए उन ज्ञानी जनों के लिए ये जरूरी है कि वो ऐसा उदाहरण सामने रखें, जिससे हर कोई अपना कर्म, अपना कर्तव्य करने के लिए प्रेरित हो। वास्तव में संपूर्ण कर्म सब प्रकार से प्रकृति के गुणों द्वारा किए जाते हैं, तो भी जिसका अंतःकरण अहंकार से मोहित हो रहा है, ऐसा अज्ञानी मैं करता हूँ ऐसा मानता है। तामसिक गुण वाले व्यक्ति आलस्य या नींद इसी प्रकार के कर्म करते हैं। राजसिक गुण वाले बात बात पर शौर्य या बहादुरी दिखाने का काम करते हैं, लेकिन ज्ञानी मनुष्य जानते हैं उसके गुण ही उससे कर्म करवा रहे हैं, और जो ज्ञानी नहीं होते वो समझते हैं कि सब कुछ वही कर रहे हैं। कर्म में लगे हुए ज्ञानियों को ये जानना चाहिए कि गुण ही उनसे कर्म करवाते हैं, वो खुद कुछ भी नहीं करते, और जो ज्ञानी इस बात को समझ ले तो ये उनकी जिम्मेदारी होती है कि वो अज्ञानियों को समझाए कि कर्म ही उनका धर्म है। श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम मुझ अंतर्यामी परमात्मा में अपने सारे कर्मों को अर्पण कर दे। जो कोई मनुष्य दोष दृष्टि से रहित और श्रद्धा युक्त होकर मेरे इस मत का सदा अनुसरण करते हैं, वे भी संपूर्ण कर्मों से छूट जाते हैं। परंतु जो मनुष्य मुझ में दोषारोपण करते हुए मेरे इस मत के अनुसार नहीं चलते हैं, उन मूर्खों को तू संपूर्ण ज्ञानों में मोहित और नष्ट हुआ ही समझ। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, दूसरे के कर्तव्य का पालन करने से भय होता है और स्वधर्म में मरना भी बेहतर होता है। श्री कृष्ण के अनुसार हमें दूसरे का अनुसरण या नकल करने की बजाय स्वधर्म को पहचानना चाहिए। दूसरों का अनुसरण करने से मन में भय उत्पन्न होता है। श्री कृष्ण के अनुसार डर हटाने का एक ही उपाय है, और वो है अपना स्वधर्म पहचानना और उसी में जीना। भगवान कहते हैं, रजोगुण से उत्पन्न होने वाले काम वासना और क्रोध ही मनुष्य से पाप कर्म करवाते हैं। इसलिए काम वासना और क्रोध मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। जिस प्रकार धुएं से अग्नि और धूल से दर्पण ढक जाता है, तथा जिस प्रकार गर्भाशय से गर्भ ढका रहता है, उसी प्रकार कामनाओं से ज्ञान ढका रहता है। इस प्रकार शुद्ध चेतन स्वरूप जीवात्मा का ज्ञान कामना रूपी नित्य शत्रु द्वारा ढका रहता है, जो कभी भी तुष्ट न होने वाली अग्नि की तरह जलता रहता है। इंद्रियां, मन और बुद्धि कामनाओं के निवास स्थान होते हैं। इनके द्वारा कामनाएं ज्ञान को आच्छादित करके जीवात्मा को मोहग्रस्त कर देती है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि प्रारंभ में ही इंद्रियों को वश में करके और आत्म ज्ञान और आत्म साक्षात्कार में बाधा उत्पन्न करने वाली इन महान पापी कामनाओं का ही बलपूर्वक खात्मा कर दे, और कर्म योग के द्वारा परमात्मा की भक्ति करके समस्त कर्मों से छुटकारा प्राप्त कर ले। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण लिखें, और ऐसे ही प्रेरणादायक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय श्री राधे कृष्ण।